हेलो दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीस में आपका स्वागत है। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम बात करते हैं, पिछले कई क्लास से हम लोग जो है ना बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी पढ़ने के बाद देख रहे थे क्या कि बाघ कहां तक पहुंचा हुआ था, और बाघ जो है ना पहुंच गया था बायोलॉजी में। दो चैप्टर भी हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन आज से फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। फिजिक्स में पढ़ने की चर्चा करते हैं क्या, हम एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक ले रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझे ना, हिंदी में कहा जाता है द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से इसको हम यहाँ पे जानते हैं। इन जनरली आइए बात करते हैं क्या बाबू कि द्रव स्थितिकी की चर्चा करते हैं। तो देखिए बात ऐसा है ना कि इसमें कि एक अवस्था हो गया द्रव के बारे में चर्चा करने का। सुनिए गौर से जरा, द्रव के बारे में चर्चा करने का एक बात हो गया, या इसमें जो है ना चर्चा करेंगे गैस के बारे में। फिर से एक बार आओ सुनो तुम लोग सभी लोग कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नाम है चैप्टर का द्रव स्थितिकी। क्या नाम है यहाँ पे? द्रव स्थितिकी या आर्किमिडीज सिद्धांत बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे? हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में जानते हैं, द्रव स्थितिकी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। समझे ना, द्रव स्थितिकी में जनरली होता क्या है कि पहले तरल अवस्था के बारे में बात करते हैं। किस बारे में बात करते हैं यहाँ पे? तरल अवस्था। तो तरल अवस्था में दो ही टाइप होता है, एक जो है ना द्रव को कहते हैं और एक किसको कहते हैं यहाँ पे? गैस को कहते हैं। द्रव की चर्चा किया जाए इन जनरली तो क्या मतलब कि सिंपल उसे हम उसको हम कह सकते हैं जो आसानी से ढुलुक जाए, जैसे जो आसानी से बह जाए उस सभी को हम तरल अवस्था में मानते हैं। जैसे द्रव है तो द्रव आसानी से बह सकता है, गैस है तो गैस आसानी से क्या हो सकता है? बह सकता है। तो ऐसे बहने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? द्रव स्थितिकी के नाम से जानते हैं। समझे ना, तो द्रव के अंदर या गैस के अंदर होने वाले गुण को दबाव के बारे में पढ़ने का काम करेंगे, और उसके बाद में एक और टॉपिक इसी में बनेगा जिसको आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलेंगे। समझे ना, जो आर्किमिडीज साहब थे यूरेक का मतलब कि ग्रीक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताने का काम किया था। बस समझे, आइए आगे बात को बढ़ाते हैं। इसमें कई बातें होंगी जिसके पहले से शुरुआत करते हैं। एक में जो है ना, जैसे कि होता है कि मान लीजिए जाए कि यहाँ पे पानी है, किसी बोतल में हम जो है ना क्या किए हैं कि ये बोतल पानी से भरा हुआ है। कैसे यहाँ भरा हुआ है? यहाँ पे पानी से भरा हुआ है। तो पानी से भरने का मतलब ये है कि ये एच ऊंचाई का बोतल है। कितना ऊंचाई का बोतल? यहाँ पे एच ऊंचाई का बोतल है, और एच ऊंचाई के बोतल में पानी के नीचे जो है इसमें जी लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे? जी लग रहा है। और समथिंग इस पानी का डेंसिटी भी क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। दूसरा कि इसका मास क्या होगा यहाँ पे? एम होगा। ओहो, तो इतना बात फिक्स हो गया कि इस पानी का, ये इस वाटर का जो है ना डेंसिटी, यहाँ पे हाइट कितना है? एच है। और इस वाटर का डेंसिटी अपना क्या है यहाँ पे? डी है। और इसका मास क्या है यहाँ पे? एम है। और जी इसके साथ मल्टीपल है जो कि ग्रेविटेशन फोर्स से लग रहा है, तो यहाँ पे एम जी लगने का भी बात होगा क्या। और हम ये कह सकते हैं कि ये बोतल का अपना क्या है? पेंदी है, लेयर है। समझे ना, तो इस लेयर पर एम जी फोर्स क्या हो रहा है? लग रहा है। देखिए गौर से, इस बोतल के पेंदी पर एम जी फोर्स क्या कर रहा है? यहाँ पे लग रहा है। बात समझे ना, तो एक होता है ना कि एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? दाब के नाम से जानते हैं। बस है ना, फॉर्मूला बनता है कि P बराबर फोर्स अपॉन क्या होता है यहाँ पे? एरिया बन जाता है। फॉर्मूला बनता है कि एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है ना एक पैर पे खड़ा है या दो पैर पे खड़ा है, तो एक पैर पे खड़ा होगा तो एरिया उसका क्या होगा? कम हो जाएगा। दो पैर पे खड़ा हो जाएगा तो उसकी तुलना में एरिया क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो शो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा क्या कि P बराबर फोर्स अपॉन एरिया हम देना चाहेंगे तो समानुपाती होता है P समानुपाती F के, आप P व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है यहाँ पे? एरिया के। कहने का मतलब क्या है कि फोर्स जितना बढ़ेगा प्रेशर का मान उतना ही क्या होगा? बढ़ेगा। फिर से एक बार गौर से सुनिए कि बोतल के पेंदी में जो लग रहा है बल का जो मान लग रहा है, यहाँ पे जो एरिया लग रहा है, तो फोर्स समानुपाती है प्रेशर के, या एरिया व्युत्क्रमानुपाती है क्या यहाँ पे? प्रेशर के। तो यहाँ पे P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इक्वेशन इसको एक मान लेता है या इसको दो मान लेता है, दोनों को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो वही चीज होगा जो हमने पहले लिखने का प्रयास किया है, मतलब P इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या यहाँ पे? एरिया। कह रहा है कि फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पे? बढ़ेगा। आप कई एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, जैसे कि कोई ट्रक है तो ट्रक के जो है ना अगला चक्का के देखिए एक ही रहता है, आप पिछला चक्का उसका क्या किया जाता है? दो दो को बना दिया जाता है। पिछला चक्का दो दो को एक साथ जोड़ के लगा देगा ताकि क्यों उसका एरिया क्या हो जाए? बढ़ जाए। एरिया बढ़ने से प्रेशर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? घट जाएगा। और प्रेशर का मान जैसे घटेगा जिससे जो है ना अंदर की ओर फंसेगा नहीं, मतलब ट्रक जो है ना आसानी से निकल जाएगा।
या ऊंट का पैर जो होता है, ऊंट का पैर क्या होता है, गद्देदार होता है। गद्देदार का मतलब है कि वो काफी चौड़ा होता है। चौड़ा होने का मतलब ये है कि एरिया उसका ज्यादा होगा तो प्रेशर का मान क्या होगा, कम होगा, जिससे जो है ना मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है ना ऊंट क्या होता है, आसानी से चलता है। आसानी से चलने का मतलब ये कि उसको जो है ना कहीं भी चलने में दिक्कत नहीं होता है, या बलुई क्षेत्र में चलने में दिक्कत नहीं होता है। तो प्रेशर समानुपाती फोर्स के, प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती एरिया का, तो हम फॉर्मूला डाल सकते हैं पी बराबर फोर्स अपॉन, एक लाइन और भी देख लेते हैं यहाँ पे कि पी बराबर फोर्स अपॉन एरिया जब हुआ ना, तो एक बात ये भी देख सकते हैं कि ऐसा यूनिट भी इसका कुछ आ जाता है, तो ऐसा यूनिट लिखने का हम प्रयास करेंगे। तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया का क्या होता है यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, पता होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होगा। दूसरा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को न्यूटन माइनस टू भी लिखा जा सकता है क्या, या इसी को जो है ना जेम्स ब्लेज पास्कल के सम्मान में, किसके सम्मान में, जेम्स ब्लेज पास्कल, समझे ना, यहाँ पे जेम्स ब्लेज पास्कल के सम्मान में इसका ऐसा ही मात्रा क्या रख दिया गया यहाँ पे, पास्कल भी उनके सम्मान में रखा गया, बात समझे ना। तो एक बात तय हो गया कि प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है ना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या प्रेशर का यूनिट इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि एन एम माइनस टू या पास्कल, तो पास्कल किसके सम्मान में लिखा गया, तो जेम्स ब्लेज पास्कल के सम्मान में इसका ऐसा यूनिट लिखा गया पास्कल। और भी बातें होती है, बात मतलब कि प्रेशर का इतना ही नहीं है, भले ही ये देखने में आपको आसान लग रहा होगा लेकिन इसमें बातें बहुत ज्यादा है, गौर से सुनते रहिएगा आप। अभी तो इसका ऐसा यूनिट वगैरह ही हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, जो कि पी समानुपाती एफ और पी व्युत्क्रमानुपाती एरिया, पी बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा यूनिट निकाले यहाँ पे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जेम्स ब्लेज पास्कल के सम्मान में इसका ऐसा ही मात्रा क्या रख दिया गया यहाँ पे, पास्कल रखा गया, क्या रखा गया यहाँ पे, पास्कल रखा गया। और आगे देखने का काम करते हैं बाबू, फिर से देखिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो एक बात इससे इधर हम लेना चाहते हैं थोड़ा समझने के लिए लेते हैं, जिसको थ्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे थ्रस्ट, थ्रस्ट को हिंदी में ना परनोद कहते हैं, क्या कहते हैं परनोद, नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए ना बात कौन सी है, यहाँ पे थ्रस्ट की बात करते हैं तो इसको परनोद बोलते हैं। परनोद क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी पिन को जो है ना छोटे से एरिया में जो है ना एक थोड़ा सा दबाव लेकर उसको जो है ना अपने अंदर से उसको एरिया के भीतर फंसा देना थ्रस्ट कहलाता है, किसी एक निश्चित पॉइंट पर उसको पिनअप कर देना जो है ना क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है, बात समझे ना। तो थ्रस्ट भी एक प्रकार का फोर्स ही है, थ्रस्ट भी एक प्रकार क्या है फोर्स है, लेकिन एक आंक बड़ी छोटे जगह पर लगता है, फोर्स के तुलना में छोटे जगह पर लगता है, इसको टी से सिंबल करते हैं, तो प्रेशर इक्वल टू टी अपॉन एरिया भी हो जाएगा, मतलब कि प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया भी हो जाएगा, या प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया भी हो जाएगा, बात समझे ना। दूसरा एक बात यह हो सकता है, एक मतलब कि फोर्स भी और थ्रस्ट भी इक्वल हो गया, और एक समय आप पढ़े रहे होंगे कि हम पढ़ाएंगे कभी कि वेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, मतलब वेट निकाला है तो मास को जी से मल्टीपल कर देते हैं तो वेट निकलता है जनरली, क्या जी से मल्टीपल करा देंगे, तो इसका भी एसआई न्यूटन, एसआई यूनिट जो है क्या होता है कि न्यूटन ही आता है, और थ्रस्ट का भी क्या होता है न्यूटन ही आता है, फोर्स का भी क्या होता है न्यूटन ही आता है, मतलब तीन ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिस तीनों का जो है ना यूनिट क्या होता है सेम होता है, जैसे करेंगे न्यूटन इसका, इसका भी न्यूटन, इसका भी कहते हैं न्यूटन, तो फोर्स थ्रस्ट और वेट तीनों का क्या होता है यहाँ पे न्यूटन होता है। तो इसके जगह पर हम फोर्स के जगह पर थ्रस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर्स के जगह पर हम वेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, या प्रेशर इक्वल टू वेट डबल यहाँ पे डब्लू अपॉन वेट अपॉन एरिया, यह भी हो सकता है। इंजीनियरिंग हम बात करते हैं बाबू कि P इक्वल्स टू कौन सी यहाँ पे P इक्वल्स टू चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के जगह पर हम mg अपॉन एरिया डाल सकते हैं, फोर्स के जगह पर क्या डालते हैं यहाँ पे mg अपॉन एरिया, समझे। अब देखिए W की जगह पर इस्तेमाल किए हैं कि W भी डला सकता था फोर्स के जगह पर, तब mg अपॉन एरिया। अब फोर्स बराबर एक फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से, कौन सा लॉ से यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ से, कि फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक ऐसा यूनिट यहाँ पे चेंज हो सकता है हम सभी से कि मास का यहाँ पे केजी और जी का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अपॉन यहाँ पे मीटर स्क्वायर दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, या यहाँ पे बात करते हैं केजी मीटर और यहाँ पे सेकेंड माइनस टू, तो यहाँ मीटर माइनस टू हो सकता है, मतलब केजी माइनस वन सेकेंड माइनस टू, ये भी हो सकता है क्या, मतलब ए रूप भी इसका ऐसा यूनिट का है, सुनिए गौर से
कि प्रेशर का एक एसआईयूनिट यहां पे हम पास्कल भी देने का काम किए, एक न्यूटन प्रति मीटर प्रति स्क्वायर भी देने का काम किए या न्यूटन मीटर माइनस 1 भी दिए। यहां पे हमने mg अपॉन एरिया से चेंज कर दिया फोर्स का, तो फिर एक सिर्फ हमने यहां भी दे, अब ये रहेगा ऑप्शन में तो का ये नहीं ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। अब तो कॉपी ऑप्शन पर निर्भर कर रहा है कि कौन सही होगा बाबू, मतलब kg मीटर, सुन रहे हैं ना गौर से, सुन रहा है, सुनिए गौर से, यहां पे क्या कि kg माइनस 1 या सेकंड माइनस 2 भी होगा, ठीक है ना। अब इससे आगे हम बढ़ने का काम करेंगे क्या कि mg अपॉन एरिया है या यहां पे a एरिया है और यहां पे मास है क्या, तो एक चीज बदला जा सकता है कि फोर्स इक्वल्स टू जो है ना गौर सुनिए यहां पे कि फोर्स इक्वल्स टू यदि यहां पे मास है तो मास यदि निकालना है मास तो मास निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप किसी चीज का एक फार्मूला होता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या फार्मूला होता है यहां पे लिखते हैं हम, घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा कौन सी होता है आयतन। सुनिए गौर से, यदि घनत्व d है तो मास अपॉन v हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v इनटू d, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पे v इनटू d, कहने का मतलब है कि m की जगह पर हम vd भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब फार्मूला बन जाएगा p बराबर v इनटू d इनटू g अपॉन क्या बन जाएगा यहां पे एरिया, नहीं बन जाएगा। दूसरा वॉल्यूम निकालना है तो एक और फार्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, वॉल्यूम निकालने का बहुत सिंपल फार्मूला, यदि कोन का निकालते हैं तब या आप जो है ना बाबू सिलेंडर का निकालते हैं तब, तो एरिया को जो है ना एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम निकलता है। ये आपके मैथ वाले सर सिखाएंगे, हम नहीं सिखाएंगे, ये आपके मैथ वाले सर सिखाए होंगे कि एरिया को यदि हाइट से मल्टीप्लाई कर देते क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है, बात समझे ना। तो बताइए तो प्रेशर और एक और फॉर्मूला हो जाएगा कि वी के जगह पर ए इंटू एच अपॉन डी इंटू जी अपॉन एरिया लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए एरिया से एरिया कट जाएगा तो पी बराबर एच डी दिया जाएगा, ओहो बहुत अच्छा बात, मतलब एक फॉर्मूला हमारे पास निकल गया प्रेशर का कि एच डी जी, क्या निकल गया यहाँ पे एच डी जी, नहीं समझ में आ रहा है, सुनो ना इधर, हेलो हेलो तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला निकल गया, प्रेशर का फॉर्मूला निकला कि प्रेशर इक्वल टू एच डी जी, आप प्रेशर वाला फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर वाला एम जी अपॉन एरिया या प्रेशर वाला डी डी जी अपॉन एरिया, प्रेशर वाला डी डी जी अपॉन एरिया या प्रेशर वाला एच डी जी या प्रेशर वाला फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर वाला मास एम जी अपॉन एरिया, बात सुने ना। ये डेंसिटी है ना, यदि वाटर का दिया है तो ठीक है, लेकिन किसी जो है ना डेंसिटी दे देगा कोई ऑब्जेक्ट का दे देगा, जैसे कि ईंट का डेंसिटी, आयरन का डेंसिटी, समझे ना, या किसी ब्रिक का डेंसिटी या किसी वुड का डेंसिटी, तो वहां पे डेंसिटी के जगह पर डी के जगह पर आपको रो इस्तेमाल करना होगा, क्या इस्तेमाल करना होगा, रो, या एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आएगा तो रो इस्तेमाल कर किया रहेगा, तब फॉर्मूला बन जाएगा पी बराबर एच रो जी, क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला, पी बराबर एच रो जी बनेगा, बस में ना। एक बात यहाँ था क्या बाबू, गौर से फिर कीजिए कि पी बराबर फोर्स अपॉन एरिया तो पी समानुपाती था, ये के पी विक्रमानुपाती था एरिया का, लेकिन यहाँ पे पी बराबर एच डी जी निकला तो अब हो गया कि प्रेशर समानुपाती एच के, आप प्रेशर समानुपाती डी के, आप प्रेशर समानुपाती हो गया कौन सी यहाँ पे जी के, मतलब हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, मतलब डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा, मतलब जी बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा, समझ ना, नहीं समझ में आया। अरे बोतल है तो बोतल के पेंदी में ऊपर के पानी के तुलना में हाइट नीचा कण वाला, नीचे वाला पार्टिकल पर, तो नीचे वाला पार्टिकल पर हाइट ज्यादा है तो हाइट ज्यादा होने से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हाइट ऊपर वाला तली में नलिटी पर जाएंगे तो वहां पर जो है ना हाइट कम रहेगा तो वहां पर प्रेशर का मान क्या होगा कम होगा। और दूसरा पानी में है तो पानी का डेंसिटी मतलब कि दूध के तुलना में क्या हो जाएगा कि कम होगा, तो वहां पे डेंसिटी कम होने से प्रेशर का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और डेंसिटी ज्यादा होने से प्रेशर का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और जी जी जैसे जैसे चेंज होगा प्रेशर का मान वैसे वैसे चेंज होगा, मतलब फॉर्मूला बन गया कि पी बराबर एच डी जी, और नहीं तो डी की जगह पर रो इस्तेमाल कर जाएगा पी रॉड का जगह पे एच रो जी, क्या बनेगा यहाँ पे एच रो जी। तो प्रेशर का इतना रूप हमको देखने को मिलता है कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फिर यहाँ पे प्रेशर बराबर एम जी अपॉन एरिया, प्रेशर बराबर डी डी जी अपॉन एरिया, प्रेशर बराबर ए एच डी जी अपॉन एरिया, एरिया से एरिया गो, सो प्रेशर बराबर एच डी जी, कौन सी यहाँ पे एच डी जी। तो हालांकि देखा गया कि यहाँ पे ऐसा एसआईयूनिट भी क्या होगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल साहब दिए थे। अब इसमें बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा कैसे कि एरिया दे देगा फोर्स दे देगा तो प्रेशर निकालना ये आसानी से निकल जाएगा, दूसरा
कि जी का मान दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, ए तो फिर निकलेगा। दूसरा वॉल्यूम के सेंस में पूछेगा तो आपको डेंसिटी जी और एरिया चाहिए तब निकलेगा। तीसरा हाइट के सेंस में प्रेशर पूछेगा तो ई फोन लगाइएगा। बात समझे ना, यदि जो है ना विशिष्ट यदि बात करता है अलग किसी डेंसिटी का तो यहाँ पे रो वाला फॉर्मूला लगा के क्या कीजिएगा आप प्रेशर का वैल्यू क्या कीजिएगा डिराइव कीजिएगा। तो इस तरीका से प्रेशर के कई जो है ना न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं या प्रेशर के इतने फॉर्मूला क्या होते हैं यूज होते हैं, इसके इतने सारे एप्लीकेशंस भी हैं। बस समझना, अब देखिए दो गुना फोर्स बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर का वैल्यू भी कितना गुना बढ़ जाएगा, दो गुना बढ़ जाएगा। यदि 1/2 कर दिया जाए तो 1/2 हो जाएगा प्रेशर। यदि यहाँ पे दो गुना एरिया कर दिया जाए तो प्रेशर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे यदि 1/2 कर दिया जाए तो ये दो गुना हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। 1/2 करने पर ये उल्टा होगा। बात समझे, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी समझिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अभी वॉल्यूम है, डेंसिटी जी है, कैंसिल करके एच डी जी लिए तो दो गुना इसको बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर का मान क्या होगा, ये दो गुना होगा। 1/2 करेंगे तो ये भी क्या जाएगा 1/2 होगा, और यहाँ पे डेंसिटी दो गुना तो ये भी दो गुना, ये भी आधा तो ये भी आधा, ये समानुपाती संबंध है, समानुपाती ही होगा मेरे भाई। बात समझे ना, और जी का बात है तो जी चेंजेबल होते रहते हैं, ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाक से, जैसे जितना टॉपिक पढ़े बाबू यहाँ पे बात करते हैं क्या कि अगला क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन हम लोग लगातार करते रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस दाब की गणना कीजिए जब किसी 2 मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मीटर स्क्वायर डाटा से पता आपको एरिया दिया होगा, समझे ना, तो 2 मीटर स्क्वायर प्रति सतही क्षेत्रफल पर 800 न्यूटन का बल क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है। बस समझे ना, वैसे जाहिर सी बात है कि हमें क्वेश्चन से जो है ना एरिया गिवेन है और यहाँ पे फोर्स गिवेन है। बस समझे ना, मतलब एरिया का वैल्यू कितना 2 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना है 800 न्यूटन। बस जनरली हम पहला फॉर्मूला आपको दिए हैं क्या कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बस समझे ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया फटाक से पुट करेंगे, और यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना है न्यूटन, हमारा कौन सी यहाँ पे न्यूटन है, तो यहाँ पे 800 न्यूटन अपॉन एरिया का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, कैंसिल कर देंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 400 पास्कल। कितना यहाँ पे 400 पास्कल, दैट ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, कितना यहाँ पे 400 पास्कल। बस समझे ना, आइए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। आइए फटाक से देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है एक बार से देख लीजिए आप लोग कि ये 1200 न्यूटन का बल, ओह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1200 न्यूटन का बल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले सतही क्षेत्रफल पर आरोपित हो रहा है, मतलब किसी का एरिया है यहाँ पे कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और उस पर 1200 न्यूटन का फोर्स क्या हो रहा है लग रहा है। बस ना, तब इस एरिया पर फोर्स की गणना हमें करना कैलकुलेट करना है क्या, यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है कि मतलब कि इतना आसान क्वेश्चन क्या बताया, सब बच्चा गलत करके चला था एग्जाम में, इतना ज्यादा आसान है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, इतना उसी समय से सीख रहे हैं, शुरू से सीख रहे हैं कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तब फोर्स यहाँ पे क्या है गिवन है, फोर्स गिवन है कितना यहाँ पे 1200 न्यूटन, समझे ना, और एरिया कितना गिवन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कीजिएगा आप कि प्रेशर बराबर 1200 अपॉन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल कर दिएगा जा सकता कितना आएगा 120 पास्कल। आप जो है आंसर कितना दीजिएगा यहाँ पे 1, जो कि क्या होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसे में एग्जाम आपका निगेटिव चला जाएगा, समझे ना, पूरा का पूरा बनाया हुआ सब खराब हो जाएगा, समझे। लेकिन इसको हम सुधारने की बात करते हैं, सुधारा जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया आप यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर लिए कि ये सेंटीमीटर में डाटा दिया गया था, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट कर दिया, जो कि गलत है, सेंटीमीटर में कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, आपके आंसर पर बुरा प्रभाव पड़ दिया। 120 पास्कल आपको लग रहा कि पूरा करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट होगा नहीं। इसको बनाने के लिए आपको जो है ना एरिया का साइन होता है मीटर स्क्वायर, जो कि फोर्स का न्यूटन तो न्यूटन में गिवन है, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर ना होना चाहिए, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर तब ना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ जी, तो इस सेंटीमीटर और इस सेंटीमीटर दोनों को मीटर में बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा कि 100/100 और फिर गुने 100/100 ऐसे करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब कि दो बार इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, समझे। तो एक बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, देखिए कि प्री बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो इफ एफ का वैल्यू कितना है 1200 न्यूटन, यहाँ पे 10 अपॉन क्या कीजिएगा 100/100 कीजिएगा, यही नहीं कीजिएगा आप 100/100 मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए, तो 1 0 से 0 कैंसिल कर दिया यहाँ पे, 1200/1 गुने ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 10 × 100 बचेगा, यही ना। अब यहाँ पे 1200 × यहाँ पे क्या कीजिएगा 1000 कीजिएगा, समझे ना, तो 12 × 10^5, सो 1.2 × 10^5 क्या कीजिएगा यहाँ पे 5, ये पास्कल। अब आंसर आपका सही हुआ, क्यों, क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट किया इसको, समझे ना, क्यों, क्योंकि हमने मीटर में 1.2 × 10^5 पास्कल ही कन्वर्ट किया,
अब ये पास कर में ऐसा आया, ओ ये नंबर दशमलव में भी गलती कर लीजिएगा, दशमलव में गलती कीजिएगा फिर आंसर गड़बड़ा जाएगा, मतलब 12 गुणे उसके पास 6 मत मान दीजिएगा, समझे ना, पकड़ा सही तो ये ठका जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, समझे ना। तो यहां पे 10 की पावर क्या हो जाएगा, अब ये पॉइंट में है चेंज करेंगे, 1.2 में उसके पास 6 पास्कल, तो 1.2 गुणे उसके पास क्या हो जाएगा 6 पास्कल। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, 12 समीकरण का बल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले सतही क्षेत्रफल पर आरोपित होता है, तो दाब की गणना कीजिए, बस उससे थोड़ा डिफर है, ज्यादा डिफर नहीं है, क्योंकि वहां पे मीटर स्क्वायर में डाटा गिवन था हमको एरिया का, और यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, जिससे आप ऐसे अप्रोच ना करके इसको हम क्या करेंगे, ऐसे अप्रोच करेंगे। आप फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।